चलो टाइगर थ्री के स्पॉयलर्स पे बात करें। आई मीन आई नो कि अपनी बनाई हुई थ्योरीज को स्पॉयलर्स बताते हुए मैं बहुत चूतिया लग रहा हूँ, बट क्या करो यार, थ्योरीज है ही कुछ ऐसी। अब देखो नॉर्मल वीडियोस तो हम हमेशा बनाते ही हैं, बट आज की अपनी वीडियो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि आज हम टाइगर थ्री की एक्सक्लूसिव थ्योरीज पर अकेले बात नहीं करेंगे। टुडे वी हैव नन अदर देन अविनाश पैगवार एके इंडियन नट्स। सबसे पहले हेलो अविनाश, कैसे हो? ओ मिस्टर अविनाश, क्या लगता है जो अपन ये थ्योरम पट्टी करने वाले हैं यहाँ पे, उनके मूवीज में सही साबित होने के चांस कितने हैं? देखो यार, जैसा कि अभी अपन बात ही कर रहे थे, थ्योरी सॉलिड तो है एंड मुझे लगता है कि अगर ये मूवी में सही निकली तो मे बी ऑडियंस का मजा खराब हो जाए, तो इसलिए हमें एक स्पॉइलर वार्निंग तो दे ही देनी चाहिए। श्योर अविनाश। तो गाइज, अगर तुमको टाइगर थ्री के बिल्कुल भी स्पॉइलर्स नहीं चाहिए, यू कैन स्किप द वीडियो राइट नाउ एंड इफ यू गाइज हैव गट्स, लेट्स गेट नट। आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। तो अविनाश, अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहो तो दिस इज द टाइम। एंड यस, आई हैव अ प्रॉब्लम एज वेल। अब पूरी वीडियो में मैं तुमको क्या कहकर बुलाऊं, तो अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्यों ना आज तुम अपना नेम रिवील कर ही दो। पॉइंट चढ़ा दिया यार तुमने तो। चलो ठीक है, बता ही देते हैं। पता नहीं एक्सक्लूसिव थ्योरीज होंगी या नहीं, बट तुम्हारे आने की खुशी में नेम रिवील हो गया मेरा। तो गाइज, वैसे तो अपनी किसी भी वीडियो में अपन ने अभी तक अपना नाम नहीं बताया था, मैंने अपना नाम अभी तक अपनी किसी वीडियो में नहीं बताया था, बट अविनाश ने पूछा है तो यार चलो बता ही देते हैं। तो मेरा नाम है उपेंद्र जोगी, मेरा एक्चुअल नाम है पवार, सोहित पवार। तो फिर चलो काफी बकचोदी हो गई, अब अपनी वीडियो पे आगे बढ़ा जाए। वैसे भी तुम लोगों को मेरे नाम से करना ही क्या है। तो टाइगर का मैसेज नाम से जो इसका टीजर रिलीज किया गया था, उसमें अपने को दिखाया गया था कि टाइगर का नेम रिवील हो चुका है, जो कि ऑफ कोर्स पैगवार तो नहीं है बट अविनाश जरूर है। टाइगर भैया को पूरे देश की नजरों में गद्दार साबित कर दिया गया है, जस्ट लाइक द फेट ऑफ द फ्यूरियस में जब साइफर डॉम की वाइफ एंड बच्चे को अपने कब्जे में लेकर डॉम को उसकी टीम के खिलाफ कर देती है, एंड डॉम को ना चाहते हुए भी अपनी वाइफ एंड उस बच्चे के लिए जिसका उसको नाम तक नहीं पता था उसको बचाने के लिए साइफर के लिए काम करना पड़ता है, और उसकी पूरी टीम को खुद डॉम को रोकने के लिए एक होना पड़ता है। हाँ सोहित, तुम्हारी बातें सेंस तो बना रही है, बस पूरे टीजर में या फिर ट्रेलर में भी हसन हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला है। मानता हूँ हो सकता है कि इमरान के कैरेक्टर ने हसन को किडनैप करके टाइगर को अपना कुछ काम कराने के लिए मजबूर किया हो, जिसके लिए टाइगर को अपने देश एंड अपनी एजेंसी के भी खिलाफ खड़ा होना पड़ा हो। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, फास्ट एंड द फ्यूरियस में भी जब डॉम साइफर के लिए काम कर रहा था तब वहाँ उसे रोकने के लिए पूरी टीम थी, बट यहाँ तो कैटरीना अकेली है, और क्या तुमको लगता है कि वो अकेले टाइगर का सामना कर पाएगी? देखो यही तो ट्विस्ट है। इसी पॉइंट पे जोया रॉ से कॉन्टेक्ट करेगी और वो अकेली ही टाइगर से भिड़ने निकल जाएगी, एंड जब वो वहाँ हारने लगेगी वहाँ एंट्री हो जाएगी पठान की। हाँ, अगर ये जानते हुए भी कि पठान के सिर्फ एक कैमियो से उनकी मूवी की हाइप एंड सेल दोगुनी हो जाएगी, तो अगर स्टूडियोज ऐसा नहीं करता है तो भाई क्लियरली ये एक बेवकूफी कंसीडर की जाएगी। करेक्ट, और इसीलिए मूवी में यहाँ पठान का कैमियो भी हो जाएगा और जोया जी को थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी। बट अविनाश, इस थ्योरी में बस एक प्रॉब्लम है कि अगर हसन को छुड़ाना ही पिक्चर का प्लॉट पॉइंट है, यहाँ पठान के कैमियो से भाईजान एंड जोया ये फाइट जीत जाएंगे और मूवी खत्म। मतलब मूवी सिर्फ टाइगर की तो रही नहीं, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो पठान मूवी की फाइनल फाइट भी पठान ने अकेले ही लड़ी थी। बात यहाँ बहुत सिंपल है, देखो मूवी टाइगर और जोया की है तो ऑफ कोर्स फाइनल फाइट में वही होने चाहिए, ना कि पठान या कबीर। इसीलिए यहाँ हसन को छुड़ाने का मिशन ही एक साइड मिशन होगा, जिसके बाद पठान को रॉ के बुलाने पर कहीं जाना पड़ेगा, एंड लास्ट में जब टाइगर पे आतिश का कोई कंट्रोल नहीं होगा तो टाइगर उसको जाकर टेक डाउन करेगा। इससे फाइनल फाइट की स्पॉटलाइट भी टाइगर पे आ जाएगी और पठान का कैमियो भी हो जाएगा और हमारी थ्योरी सही भी साबित हो जाएंगी। ये तो पूरी तरह से विन विन सिचुएशन हो गई। सही है। वैसे अविनाश, तुम भी तो बता रहे थे कि टाइगर थ्री की कौन सी स्पेसिफिक जगह पे पठान की एंट्री होगी, क्या थी तुम्हारी थ्योरी, वो बताना चाहोगे? हाँ है तो सही, एंड काफी एक्सक्लूसिव भी है। यही बता दूं क्या, मैं तो सोच रहा था अपने चैनल पर अलग से वीडियो लाऊंगा, चलो बता ही देता हूँ। देख रहे हो गाइस, एक्सक्लूसिव। देखो तुम बताओ, अगर तुम्हारी कोई मूवी 1000 करोड़ कमा ले तो क्या तुम ये मान सकते हो कि हमारी सिर्फ किस्मत अच्छी थी, कॉन्टेंट में उतना दम नहीं था? मुझे तो नहीं लगता। लगता तो मुझे भी नहीं है, पर हाँ कंटिन्यू। तो देखो थ्योरी है कि मूवी पठान वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगी, लाइक पहले एक मिशन कैरेक्टर की भौकाली सेट करने के लिए, फिर इंटरवल से पहले एक डिप, देन इंटरवल के बाद एक कैमियो, एंड इन द लास्ट फाइनल फाइट मूवी के मेन कैरेक्टर एंड मेन विलन के भी। तुम अगर ट्रेलर भी देखोगे तो वहां से जो हमें समझ आ रहा है कि रेस्क्यू मिशन स्टार्ट में ही कम्प्लीट हो जाएगा,
जो एक्चुअल लास्ट मिशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आतिश को खत्म करने के लिए ही होगा, बिकॉज ही हैज सम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो कि उसके पास नहीं होनी चाहिए। अबे हाँ, शायद तुमने ही बताई थी या फिर मैंने कहीं इंटरनेट पे सुनी थी, बट ये थ्योरी मेरे दिमाग में अभी आई कि जब यहाँ फॉर सम रीजन जब टाइगर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद जब ये ब्रिज वाला सीक्वेंस टेक प्लेस करेगा तो वहाँ पे पठान का कैमियो होगा जैसे पठान में हुआ था। नहीं भैया, तो फिर काफी रिपीटेड सा लगने लगेगा, क्योंकि पठान में भी तो यही हुआ था। मैं बोल रहा हूँ कि इस ब्रिज फाइट के बाद जब टाइगर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद जो सीक्वेंस टेक प्लेस करेगी उसमें पठान का कैमियो होगा। क्योंकि एक बार फिर से बहुत बड़ा वाला स्पॉइलर अलर्ट, शाहरुख खान की जो प्योर गेटअप वाली फुटेज लीक हुई थी उसमें जब भाईजान देखते हैं तो वो एक फुल स्लीव ब्राउन टी शर्ट पहने देखते हैं, जो हमें ट्रेलर के उस सीन में देखने को मिली थी जहाँ टाइगर को आतिश ने बांध रखा था। ओ, अबे फिर अगर पठान वहीं आ रहा है तो दोनों मिलके आतिश को वहीं खत्म नहीं कर सकते, क्या लगता है ऐसा नहीं करेंगे वो? नहीं, यहाँ तुम याद करो जब पठान में भी तो दीपिका एंड पठान के हाथ लगा था जेम, बट वो बच गया था ना। ऐसा ही कोई लॉजिक यहाँ भी डाल देंगे कि मैं जा रहा हूँ उधर मेरी रशियन वेट कर रही है, तुम इससे मार मार के कुछ उगलवा लो, फिर वहां पर पठान की एंट्री हो जाएगी एंड ऑल थिंग्स विल हैपन। ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन विच यू कैन आस्क, जिसके बाद अपन वीडियो को कंक्लूड करेंगे। ओके, तो मैं पूछना चाहूंगा कि इस सीन में यहाँ पर जो भाईजान रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं, क्या लगता है कौन गया होगा? अबे तुमको लगता है कि YRF वाले अपने यूनिवर्स के स्टार्ट में ही इतना डार्क टर्न लेने का रिस्क उठाएंगे? मुझे तो नहीं लगता भाई। तो फिर तुम क्लियर कर दो कि भाईजान क्यों रो रहे हैं इधर। भाई वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, अभी एडिट भी करनी है मेरे को। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन अपन ऑडियंस के ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है? ये तो बोलना मत कि मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था चूतिया से, उसका भी जवाब नहीं दिया गया, बट हाँ वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी ये 10 सेकंड की हो चुकी है, ठीक है? हाँ, ये भी ठीक है। ओके, तो गाइस अब आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कि इस सीन में भाईजान के साथ ऐसा क्या ट्रेजेडिक हुआ होगा कि वो इतना खुश खुश रहने वाला इंसान चिल्लाने और रोने पे आ जाए। तो अविनाश यार देखो, मैं अपने चैनल पे इंट्रो दे देके काफी बोर हो चुका हूँ और मेरा इंट्रो कुछ है भी नहीं, तो मैं अगर पता हो तो मैंने एक काफी बड़े क्रिएटर का इंट्रो उठाया हुआ है। वैसे मैंने बताया हुआ है अपनी काफी वीडियोज में कि हाँ ये इंट्रो मैंने वहां से लिया गया है, क्योंकि मेरा इंट्रो पहले से इतना अच्छा नहीं था, तो तुम अपने स्टाइल में यहाँ पे इंट्रो दो। अब यहाँ मैं क्या बोलूँ भाई, अबे वही भीख जो अपन सब मांगते हैं अपने हर वीडियो के लास्ट में, एंड हाँ अपने स्टाइल में बोलना। तो भाई लोग, ये थी हमारी वीडियो यानी कि इंडियन नट्स और मूवीज ज्ञान की वीडियो टाइगर 3 के ऊपर अर्ली फैन थ्योरीज और प्रेडिक्शंस की। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड मूवीज ज्ञान एंड इंडियन नट्स को सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो भी कर लेना, लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड यस गाइज, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट इंडियन नट्स, भाई काफी अच्छा कंटेंट बनाता है, एक बार उनके चैनल को जरूर से चेकआउट करना। अगर तुमको अच्छे लगी हो भाई के बोलने के स्टाइल या भाई की स्क्रीन प्रेजेंस, तो एक बार भाई के चैनल को जरूर से चेकआउट करना, अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, काफी अच्छी वीडियोज बनाते हैं, काफी अच्छी थ्योरीज होती हैं इनकी। कभी कभी मुझे लगता है कि अपनी इंडस्ट्री के काफी बड़े बड़े थ्योरी मेकर्स को ये पीछे छोड़ सकते हैं, बट फिर भी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसीलिए। We will see you all very soon. Till then, keep watching movies.